भागलपुर समेत पूरे बिहार के गौरव में शामिल टीएनबी कॉलेजिएट अब अपना अस्तित्व खोते जा रहा है। इसके मैदान पर दबंगों का कब्जा है। पास में खुले एक होटल की सारी गाड़ियां भी पार्किंग टीएनबी कॉलेजिएट के मैदान में ही होती है। इससे छात्रों के बौद्धिक विकास पर असर पड़ रहा है, उन्हें खेल कूद में परेशानी हो रही है। पूरे मामले में स्कूल प्रबंधन बेबस बना हुआ है और दबंगों के आगे स्कूल के प्रधानाध्यापक समेत पूरे शिक्षा विभाग की सिट्टी पिट्टी गुम है। प्रशासनिक और पुलिस अमला टीएनबी कॉलेजिएट के मैदान पर कब्जा होता हुआ देख रहा है, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। यह मैदान स्कूल के विद्यार्थियों के अलावा आसपास के दर्जनों मोहल्ले के सैकड़ों लोगों के लिए मॉर्निंग वॉक का जगह भी था। बात टीएनबी कॉलेजिएट गौरव की करें तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर भागवत झा आज़ाद इसी स्कूल के विद्यार्थी रह चुके हैं। वही महान कवित्री महादेवी वर्मा के पिता गोविंद प्रसाद वर्मा इस स्कूल के प्रधानाध्यापक रह चुके हैं। 1883 ईस्वी में टीएनबी कॉलेजिएट की स्थापना हुई थी और यह बिहार का सबसे पुराना डिग्री स्कूल है। अपने गौरव गाथा को समेटे भागलपुर का यह शिक्षा का मंदिर अब दबंगों के कब्जे में आ चुका है। एक और इस मसले पर जहां प्रधानाध्यापक ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया, वहीं कॉलेजिएट मैदान में खेलने वाले खिलाड़ियों और मॉर्निंग वॉकर ने मैदान को पार्किंग जोन के रूप में होटल संचालन के द्वारा इस्तेमाल किए जाने पर रोक लगाने की मांग की और बताया कि होटल संचालक की मनमानी के कारण पूरे मैदान में गंदगी का अंबार लगा रहता है, जिसके कारण अब ना तो खेल हो पा रहा है और ना ही लोग मॉर्निंग वॉक पर आ रहे हैं। पदाधिकारी संजय कुमार ने मैट्रिक परीक्षा के कारण व्यस्तता की बात बताते हुए 25 फरवरी के बाद इस मामले पर कार्रवाई किए जाने की बात कही है। अगर जल्द ही इस दिशा में पुलिस प्रशासन की ओर से कोई कदम नहीं उठाया गया तो वह दिन दूर नहीं जब दबंगों का कब्जा स्कूल पर भी हो जाएगा। नहीं आते हैं कि पहले 10 साल से इस मैदान में बहुत स्वच्छ रहती थी तो आते थे, घूमते थे, फिरते थे। अभी इधर 3 महीने से मैं देख रहा हूं कि जब से इसकी उद्घाटन हुई है तब से जो है ये पार्क जोन बना दिया है। किसका उद्घाटन हुआ जो पार्क जोन बन गया? ये विद्या रेसिडेंसी होटल का। अच्छा, हाँ। तो कहाँ पार्क जोन बना दिया? मैदान में, फील्ड में, जहां हम लोग टहलते थे, घूमते थे, बैठते थे, बाल बच्चे खेलते थे, सबका मुक्त हो गया है। कोई खेल नहीं पा रहा है, ना बैठ पा रहा है। इतनी महक आती है, इतनी बदबू आती है, जूठल होटल का जितना जूठा सकड़ी है सब यहीं फेंका जाता है मैदान में, तो मैदान में कैसे घूमेंगे? कभी आप लोग मना किए थे जाकर? यहाँ तो कोई सुनने वाला ही नहीं है, कौन सुनेगा? यहाँ गरीब आदमी का कौन सुनने वाला है? पार्किंग जोन बना दिया है जी, आज से नहीं 3 महीने से। क्या पूरा गाड़ी एकदम पूरा चारों बगल एकदम भरा खचम खच रहती है? क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि फील्ड एकदम स्वच्छ रहे, बाल बच्चा खेलने में सहूलियत हो और जो वॉकिंग होता है सुबह शाम वॉकिंग बढ़िया से हो सभी लोगों का। गेट टूट गया है, गेट नहीं लगा। पहले ये खेल का मैदान था और अब पार्किंग जोन बन गया है। हम लोग पिच या जो भी ग्राउंड है उसको जो गाड़ी आती है वो ख़राब कर देती है, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो हम लोग को वही है, ग्राउंड ख़राब हो जाता है, वर्षा हो गई तो उसके बाद यदि गाड़ियाँ यहाँ लगती है इस होटल का जो भी यहाँ पे है तो उसके गाड़ी से हम लोग का पूरा ग्राउंड ख़राब हो जाता है। हम लोगों ने कई बार बात भी करने की कोशिश की लेकिन वो लोग बात भी नहीं सुनते हैं और ना कभी हम लोग पे ध्यान भी दिए। एक दो बार हम लोग बाय फोर्स मिलने भी गए वहाँ पे लेकिन वो लोग हमको वहाँ से निकाल दिए कि नहीं जाओ जाओ तुम लोग कॉलेज स्कूल वाले से बात करो। स्कूल वाले भी कोई ध्यान नहीं देते हैं और कोई ध्यान देता ही नहीं है। अब यही हो गया कि सुबह में आप आइएगा तो यहाँ इतना कचरा रहेगा, होटल से पत्ता या उसका जो बचा हुआ खाना फेंका हुआ रहता है उसकी गंदगी आप यहाँ पे सूंघिएगा तो आप बैठ नहीं, खुद नहीं पाइएगा। तो जो लोग आते थे अब धीरे धीरे आना बंद कर दिए हैं। इससे जब से होटल स्टार्टिंग हुई है बनना तब से मैदान की स्थिति बहुत जर्जर हो चुकी है और ये मैदान में 6 बजे के बाद सवेरे नहीं रहता लेकिन 6 बजे के बाद यहाँ पार्किंग लगना शुरू हो जाती है। 50-100 की संख्या में 4-व्हीलर लगती है यहाँ मैदान के पास और सवेरे तक किसी किसी दिन तो बस भी लगी रहती है और दिन के 12 बजे 1 बजे तक बस लगी रहती है जिस कारण हम लोग को खेलने में प्रॉब्लम होती है। और वो जो होटल में जो भी पार्टी वगैरह होता है उसके दौरान जो है वहाँ का जितना भी डस्ट भोज जो भी होता है
वो सब फील्ड में कचरा लाके फेंक दिया जाता है। उस इस कारण जो है हम लोग को काफ़ी सूंघने में प्रॉब्लम होती है और पूरा पॉल्यूशन टाइप का फैल जाता है। और होटल वालों के मतलब कंप्लेन किए थे एक बार, तो होटल वालों ने पुलिस से मतलब बुलवा के हम लोग को गंजड़ी साबित करके फील्ड से भगवा दिया। और 6 बजे के बाद पुलिस यहाँ आती है और हम लोग को जो है डंडा से या कैसी मतलब किसी भी तरह का जो है भगाने लगती है। और जो नहीं भागता, जो पुलिस से बोलता है कि हम गलत किए, हम टहल रहे हैं, तो उसके दौरान पुलिस उस पर लाठी चार्ज कर देती है। और ये सारा जो है स्नेह जो है होटल वाले के द्वारा ही होता है। इन्होंने बड़ा कैमरा एक लगा के रखा है कि फील्ड में कोई भी आए तो उस कैमरा से वो लोग को मतलब देख रेख हो जाती है, कैमरा से देख लेती है। और उसके बाद जो है ये पुलिस को इन्फॉर्म कर देती है। 6 बजे के बाद जो है कुछ ज़्यादा करक हो जाता है और पुलिस जो है उसके बाद आती है और इसका पार्किंग लगना स्टार्ट हो जाता है। क्या नाम है होटल का? नाम होटल विद्या रेसिडेंसी। इसके मालिक का? मालिक का नाम तो उतना मुझे पता नहीं, लेकिन कोई जायसवाल, दीपक जायसवाल के नाम से हम कभी आज तक देखे नहीं है, लेकिन दीपक जायसवाल के नाम से। जायसवाल या दीपक? दिलीप जायसवाल। दिलीप जायसवाल। कॉलेजिएट मैदान, आपको हम कॉल भी किए थे, बोले थे मैदान बन गया है पूरी तरह से, अभी वहाँ पर गाड़ी लगता है। और दीवार तोड़ दिया गया, मुख्य गेट जो है कॉलेजिएट मैदान का उसको तोड़ दिया गया है। बगल में होटल है, होटल वाला उसको बना लिया है पार्किंग जो। ऐसा है कि ये आपके द्वारा संज्ञान में इस चीज़ को लाई गई है, क्योंकि हम लोग अभी एग्जामिनेशन में काफ़ी अति व्यस्त हैं। हमारे यहाँ से के मैक्सिमम प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी भी उस कार्य में व्यस्त हैं। 24 तक हमारी एग्जामिनेशन है, 24 को हम लोग थोड़ी सी फ्री होंगे, 25 को हम लोग कॉलेजिएट ऐसे के जाएंगे। उसके लिए टीम भी बना दी गई है, इंजीनियर्स की भी टीम रहेंगे, हमारे समग्र शिक्षा अभियान के DPO रहेंगे और मैं खुद भी रहूँगा। और 25 को मैं जाँच करूँगा, जाँच करके ऐसे के वो जो हमारे ऐसे के विद्यालय के प्रांगण में कोई अतिक्रमण किया है तो अतिक्रमण मुक्त करने के लिए जिला पदाधिकारी महोदय से और जो एडिशनल है से कि कलेक्टर होते हैं जो लैंड रेवेन्यू के होते हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा। और आप लोगों को मैं आश्वस्त करता हूं कि 25 के बाद वो है से कि स्थिति नहीं दिखेगी। अब हर खबर पर होगी हमारी नजर, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। ऐसी ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं।